Hi everyone, first of all good morning to all of you, so welcome back to my YouTube channel। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे G20 के बारे में। तो G20 आप सभी जानते हैं, काफी ज्यादा न्यूज में आपको देखने को मिल रहा है। क्या है G20, कब इसको बनाया गया, कब इसकी फॉर्मेशन होती है और क्यों इतना G20 इतना न्यूज में है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे G20 के बारे में। G20 की फॉर्मेशन होती है, G20 को ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं और G20 की फॉर्मेशन होती है 26 सितंबर 1999, ठीक है। और जहां पे बात करेंगे, यहां पे पर्पस क्या है G20 का, G20 का पर्पस है ब्रिंग टुगेदर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज टू डिस्कस की इश्यूज इन द ग्लोबल इकोनॉमी। आगे बात करेंगे की इश्यूज के बारे में। मेंबरशिप की बात करें तो उसमें 20 मेंबर्स हैं, 20 कंट्रीज जो है इसके अंदर है। और चेयरमैन की बात करें, करंट चेयरमैन G20 का वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। अब जहां पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए G20 के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। G20 जैसे मैंने बोला आपको ग्रुप ऑफ 20 है, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें आपकी 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन, टोटल हो गई 20, ठीक है। तो ये वर्क करती है मेजर इश्यूज पे, कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करती है G20, ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब G20 की बात करें तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज फाइनेंस मिनिस्ट्रीज, ठीक है, उसमें बोथ इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग नेशंस अकाउंट फॉर 80% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 75% इंटरनेशनल ट्रेड और 2/3 जो है ग्लोबल पॉपुलेशन है और 60% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। अब जहां पे थोड़ा सा मैं डिस्कशन करेंगे G20 के बारे में, देखिए G20 के बारे में जैसे मैंने आपको बताया इसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, जिसमें आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अभी न्यूज में आपको देखने को मिल रहा है तो इसमें आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं इंडिया, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैनेडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथ यूरोपियन यूनियन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 20 कंट्रीज हैं G20 के अंदर। आप थोड़ा सा जहां पे देख सकते हैं क्यों G20 इतना न्यूज में है। G20 इतना इसलिए न्यूज में है क्योंकि इस बार का जो समिट है, इस बार का जो समिट होगा वो कहां पे होगा, इस बार का जो समिट होगा जो इंडिया के अंदर होगा, ठीक है, और इस बार का जो समिट रहेगा वो 18th एडिशन रहेगा, ठीक है। इसको इंडिया होस्ट करेगा और ये डेट देख सकते हैं 9 से लेकर 10 सितंबर 2023। अब आप सोच रहे हैं कि अगर इसका जो है 9 से लेकर 10 सितंबर में इसका जो है समिट होगा इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, तो इतना न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसका एक डेलीगेशन जो है आपको थोड़े रिसेंट टाइम में या न्यूज में भी आपको देखा होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपको इसका एक डेलीगेशन आया था। तो मेन जो इसका जो मेन समिट होगा वो न्यू दिल्ली के अंदर होगा, बाकी डेलीगेशन जो डिफरेंट सिटीज या डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे, मगर मेन जो आपका समिट होगा वो न्यू दिल्ली के अंदर होगा। अब जहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता लूं तो ये शेड्यूल किया जाएगा प्रगति मैदान न्यू दिल्ली इन सितंबर 2023। और G20 की जो पहली ऐसी मीटिंग होगी जो कि इंडिया के अंदर होगी और उसके साथ साथ साउथ एशिया के अंदर होगी। अब जहां पे मैं आपको बता दूं मोटो क्या है इस बार का, मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब ये वासुदेव कुटुंब जहां पे इसका संस्कृत पढ़ है तो आप इसको भी देख सकते हैं। वेन्यू रहेगा आपका इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। और सिटीज की बात करें तो ऑल द मेजर सिटीज एंड टाउन्स होस्ट सम पार्ट ऑफ G20, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिला। पार्टिसिपेंट में आपकी G20 मेंबर्स आ गए और चेयर जो है चेयर है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको चेयर करेंगे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। आप यहां पे देख सकते हैं ये एक्सपेक्टिंग जो पार्टिसिपेटिंग लीडर्स रहेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी जो होस्ट करेंगे। कुछ और पॉइंट्स की बात करें G20 के बारे में तो G20 जो है न्यू दिल्ली समिट जो है इसको चेयर किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इंडिया के जो प्रेसिडेंसी है ये स्टार्ट होती है कब से, 1 दिसंबर 2022 से इंडिया जो है इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है G20 की और इसको लीड अप करेगा समिट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 और प्रेसिडेंसी हैंडओवर सेरेमनी वाज हेल्ड इन इंटीमेट इवेंट इन विच G20 प्रेसिडेंसी गेव वाज ट्रांसफर फ्रॉम इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी जोको विडोडो टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले समिट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। और नेक्स्ट जो समिट होगा 2024 का ये कहाँ पे होगा, ब्राजील के अंदर होगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा G20 जो है प्रेसिडेंसी वुड गाइड द वर्क ऑफ द G20 अंडर द थीम, ये आप देख सकते हैं वासुदेव कुटुंब इसका नेम है, जहाँ इसको आप वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये जो आपके लिए थीम है काफी इंपॉर्टेंट है, मोटो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप की जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये द वर्ल्ड इज वन फैमिली और इसेंशली जो थीम है फॉर्म्स करता था वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ ह्यूमंस एनिमल्स प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड इन द वाइडर यूनिवर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट जो है अभी तक जो है इसके अगर बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट सबमिट हुए हैं, और 2024 का होगा ये ब्राजील के अंदर होगा और 2023 का जो है इंडिया के अंदर होगा, ठीक है, और ये जितने भी हैं सारे आप यहाँ पे डिटेल भी देख सकते हैं, आपको स्टैटिक जीके का भी यहाँ पे पार्ट कवर हो जाएगा और साथ साथ में आपका करंट का भी होगा, 2023 का इंडिया और 2024 का जो है ब्राजील करेगा। अब एजेंडा प्रायोरिटीज क्या रहेगी G20 समिट की जो इंडिया के अंदर हो रहा है, इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो G20 जो है इसमें फोर सिक्स एजेंडा रहेगा G20 डायलॉग्स का 2023 का। सबसे पहला ग्रीन डेवलपमेंट क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ, सेकंड एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेसिलिएंट ग्रोथ, थर्ड एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी और वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जिसको जरूर देखिएगा। तो जहां पे देख सकते हैं G20 जो है समिट इस बार इसलिए न्यूज में है क्योंकि इस बार अगर बात करें जम्मू कश्मीर के गवर्नर जी मनोज सिन्हा जी के द्वारा बताया गया कि न्यू एरा है जम्मू कश्मीर में, ओपन पॉसिबिलिटीज फॉर ग्रोथ पीस, ठीक है, और ये सारा का सारा जहां पे देख सकते हैं श्रीनगर G20 की जो मीटिंग हो रही है, डेलीगेशन आया था G20 कंट्रीज का चाइना राइप इन श्रीनगर ऑन मंडे फॉर द थर्ड वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन द टूरिज्म, ठीक है, तो ये सारा का सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो जिसमें हमने G20 के बारे में पढ़ा, G20 इसलिए क्यों न्यूज में है उसके बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।